ये जो अलायंस बना है, ये अलायंस बना है केवल अपने परिवार को बचाने के लिए अलायंस बना हुआ है, क्योंकि जो अलायंस बना है उसमें आप देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी उनका बेटा श्री राहुल गांधी, नेशनल कांग्रेस पार्टी श्री शरद पवार जी उनकी बेटी श्रीमती सुप्रिया सुले, समाजवादी पार्टी श्री मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव, कई सबने अपने आप जो बात कहना चाहते हैं अपने तो सबने अपने बेटों को सेटल करने के लिए पार्टी बनाई हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नेशनल पार्टी रहती है, रीजनल पार्टी रहती है, वैसे ही परिवार पार्टी होनी चाहिए। एन एन में मेरा रुका अध्यक्ष महोदय, अलायंस क्यों बनाया उसका कारण बताता हूँ। ये अलायंस बनाया क्यों? ठीक है, इसका मुख्य कारण एक मिनट, श्री मुख्य कारण है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, क्योंकि आप अध्यक्ष महोदय की बात समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस बनाया ओके नहीं सर, दो मिनट खत्म कर रहा हूँ सर, कंक्लूड करो, एक मिनट में बात करो। अध्यक्ष महोदय, ये अलायंस बना है क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के विचारों को आगे लेके जाने का संकल्प किया, हिंदुत्व को आगे लेके जाने का संकल्प किया। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी पार्टी की नेतृत्व बालासाहेब एकनाथ शिंदे साहब को दी, तो ये फॉर्मूला शिवसेना में जो फॉर्मूला हुआ है वो फॉर्मूला का डर एनसीपी को था, एनसीपी में भी होगा वह, और बाकी सब पार्टियां जो परिवार चलाती है उनको भी डर पैदा हुआ कि उनके पार्टी में भी आदरणीय एकनाथ शिंदे जैसा कोई तो होगा और उनकी पार्टी को भी पिछले तीन महीने से